जैसा कि मुझे यहाँ पर से अपनी कविताएं और कुछ कहानियों का पाठ करना है, लेकिन जैसे कि हम लोग सभी एक ही नाव में, जिस नाव में आजकल हम लोग सब सवार हैं, वो बहुत जिस उसमें ये बह रही है, एक बहुत ख़राब स्थिति है कि हम एक महामारी के दौर से गुज़र रहे हैं। तो जो कहानी मैं लेके आई हूँ वो इस महामारी के दौर की कहानी है। ये कहानी जो मैंने अभी हाल ही में लिखी है, तो इस दौर की कहानी को मैं का पाठ करना चाहूँगी। का शीर्षक है झूठ बोले कौवा काटे। ये अनलॉकडाउन की स्टोरी है। तो कहानी इस तरह से शुरू होती है। लंबे समय से बंद है इस एक कमरे एक रसोई वाले अपने घर में। बंद, जी हाँ, स्वेच्छा से। लंबे समय से बंद है इस एक कमरे एक रसोई वाले अपने घर में। बंद, जी हाँ, स्वेच्छा से। अब इस घर को कैदखाना भी कैसे कहें, जो हर विपत्ति में भी हमारा आराम गा रहा है, जिसके दरवाजों के पीछे ही तो बाहर फैली बीमारी महामारी से खुद को सुरक्षित रखते हैं हम। अपने नाक मुंह पर चिपके मास्क को उतार कर खुलकर सांस लेते हैं, जहाँ जहाँ अपनी अपनी हैसियत भर की सुविधाएं और नींद, इसी में ही तो तिनका तिनका जोड़ी है हमने। जहाँ बेढब बेफिक्र होकर लेट बैठकर खा पी सो सकते हैं हम, जिस भी स्थिति में आरामदायक लगे उसी स्थिति में। अदब के दरवाजे तो बाहर की ओर खुलते हैं, भीतर तो सुकून की हैं। और फिर अपने बच्चों की किलकारी यहीं तो गूंजती है, जहाँ हम हर सुख दुख में एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हुए स्नेहिल स्पर्श में हर दिन को मुकर्रर दिन बनाते हैं और हर रात के आलिंगन में थकान उतारते हैं। छोटा ही घर सही, अपने रूठने मनाने प्यार मनुहार की साक्षी इस घर की दीवारें ही तो हैं, जिसे अपने हमने अपने रंगों में रंग लिया। इसको कैद खाना कह ही नहीं सकते, भले ही इसके भीतर पिछले 6 महीने से हम लोग लगभग बंद प्राय हैं। ऐसे तो जीवन में पहले कभी ना हुआ कि घर से बाहर निकलने का मतलब खतरा हो। ऐसा खतरा तो जंगल के पास रहने वालों के लिए भी नहीं होता है। इधर तो जितनी ज़्यादा आबादी उतना ज़्यादा खतरा बढ़ता जा रहा है। अब बस बेहद ज़रूरी काम से ही तो 2-4 दिन में मुंह और शरीर को कपड़े से पूरी तरह ढांप कर निकलते हैं बाहर। आंखों पर भी बड़ा चश्मा लगाते हैं। अब मिलने जुलने का बाहर जाने से कोई वाबस्ता नहीं रहा है। मेल मिलाप तो बस गए दिन की बात है, सपना सा बनकर रह गया है। मिलने जुलने की तमाम इच्छाओं को मोबाइल पर ऑडियो वीडियो कॉल करके हम तृप्त करते हैं। बाहर तो किसी ज़रूरी चीज़ को खरीदने के लिए ही निकलते हैं। यूँ भी खरीदारी के लिए रेजगारी रुपया चाहिए, जो धीरे धीरे समाप्ति के कगार पर है। तो अब जीवन से जुड़ी बस आधारभूत चीज़ें ही खरीदते हैं हम। मसलन सब्जी, दूध, चाय पत्ती, नमक, आटा। दूध तो अब लगभग खरीदना बंद कर लिया है, गर्म पानी में चाय पत्ती डालकर ही काम चला लेते हैं। चीनी फिजूल का खर्चा है, सुना मीठा जहर ही है, सो लेना बंद कर दिया है। पर ये हाथ साफ करने का साबुन, सैनिटाइजर का खर्चा बढ़ गया। तो बहुत जुगत से काम चला रहे हैं हम। अब परसों ही की बात है, सीमा कोलगेट के ट्यूब निचोड़ निचोड़ कर खाली ब्रश दिखा रही कि टूथपेस्ट लाना है। 2 दिन ही तो हुए हैं पेस्ट खत्म हुए, पर इसको चिंता ही नहीं कि पैसे कहाँ से आएंगे इन निहायत कम जरूरी चीज़ों के लिए। आज फिर से वही बात की, कब ला रहे हो टूथपेस्ट? गोपाल ने भी तब खींचकर घरेलू नुस्खा उसके आगे पटक दिया। कौन से पैसे पेड़ से झड़ रहे हैं? सरसों के तेल में नमक मिलाकर उंगली से मंजन कर लो। इस पर सीमा भी भिदक कर बोली। मंजन खत्म होता देखकर मैंने बच्चों को पिछले 2 दिन से बचे खुचे पेस्ट से मंजन करवाया और खुद कुल्ला कर दांत पर कोरी उंगली फेर कर मान लिया कि दांत साफ कर लिए। पर मुंह में गंदी बदबू लगती है, मुंह साफ नहीं तो दिन अच्छा नहीं लगता और कुछ अधूरा अधूरा अटपटा सा लगता है। गोपाल बोला, तुम्हें छोटे छोटे नुस्खे नहीं मालूम कि काम कैसे चलाया जाता है, तभी तो बताया कि नमक और सरसों का तेल। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि सीमा ने नहले पर दहला मारने के अंदाज में बोला, जो होती गांव में तो टेमरू के डंठल से दांतुन बना लेती, तब चबा चबा कर तुम्हें दिखाती घरेलू नुस्खा किसे कहते हैं।
यार काम नहीं मिल रहा तुम्हें, मुझे भी चिंता है, पर मुझे बाहर जाने दो ना, मैं ही कुछ जुगाड़ करूंगी। खमाका तुम रोज घर में गुस्सा निकाल रहे हो, गोपाल ने अनसुना किया। सीमा ने झाड़ू उठाते हुए बोला, रोज इधर घर में झाड़ू मारती हूँ, दो घरों में और झाड़ू ही लगा लूंगी, इस आफत की घड़ी में थोड़ी मदद तो हो जाएगी। वह बड़बड़ाई जा रही थी, पर नहीं जी, मैं कहती रहूं कितना भी, मुझे जाने नहीं देते। बातें करते करते उन लोगों के बर्तन भांडे भी धो लेती तो कुछ पैसे और ज़्यादा कमा लेती, और आपस में जो हम कचर कचर करते हैं उससे बचती, और फिर कुछ घर के खर्चे पानी की भी व्यवस्था होती। गोपाल सब कुछ सुन रहा था। इसी बीच उसने गर्म पानी को चूल्हे से उतार कर छन्नी पर रखी चाय पत्ती के ऊपर पलटा और 2 कप फीकी चाय बनाई। वह 1 कप चाय सीमा की ओर बढ़ाकर रोकते हुए बोला, वहाँ रणजीत साहब ने कोरोना के डर से मुझे ही नहीं, मेरे साथ के 5 और लोगों को नौकरी से निकाल दिया है। मालिक भी हो तो क्या? सीमा बोली, देख नहीं रहे, मैं झाड़ू लगा रही हूँ, हाथ धोकर ही चाय का कप पकड़ूंगी। गोपाल ने कप मेज में रख दिया। गोपाल ने अपनी बात को जारी रखते हुए बोला, तो मैं कह रहा था, जब चीज़ों की खपत बंद हो गई तो मशीनें चला कर क्या करता मालिक, मशीनें ठप पड़ गईं। अब ठप पड़ी मशीनें भी ख़राब हो रही हैं, उनको ठीक करने का मतलब करोड़ तक का खर्चा है, फैक्ट्री ही बंद हो गई। बड़े लोगों की देनदारी और खर्चे भी बड़े होते हैं, और ऊपर से कमाई बंद हो गई तो तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं, सो मुझे भी निकाल दिया नौकरी से। सभी के घरों में कुछ हाल ही ऐसा हो गया है। तुम कहाँ काम की बात कर रही हो, लोगों ने अपनी पुरानी बाई को काम से निकाल दिया है, पैसे की कमी ही नहीं कोरोना के संक्रमण के डर से भी, और खुद घर का काम कर रहे हैं। तुम अनजान को कौन काम देने वाला है इस महामारी में, जब लोग अपने अपने लोगों पर ही शक कर रहे हैं। सीमा बोली, घर से निकलने दो, बाहर तो ही ढूंढूंगी ना काम, तभी मुझे कुछ काम भी मिलेगा। अब गोपाल चिढ़कर बोला, तुझे बच्चों की तनिक भी चिंता नहीं है क्या, बीमारी घर लेकर आने का इरादा है? सीमा फट पड़ी, मैं क्यों लेकर आऊँगी बीमारी, मेरे भी बच्चे हैं वो, पर नहीं जी, तुम्हें तो मुझे घर में बंद ही रखना है और मुझ पर चिल्लाना ही है। यूँ दोनों के बीच तू तू मैं मैं सी छिड़ गई, जैसे कि इन दोनों अक्सर उनके बीच में घमासान सा छिड़ जाता था घर के अंदर। गोपाल उसकी बात पर बोला, अब तू ही बता, तुझे दूसरों के घरों में बर्तन धोने कैसे भेजूँ, इतना गया गुजरा नहीं कि तू बर्तन धोती रहे और मैं बैठ कर खाऊँ, ये काम तूने सोच भी कैसे लिया, अपने लिए तो जो तेरे लायक है ही नहीं, अपने माँ पिता भाई जी की तो सोच, उन्हें क्या लगेगा। सीमा बोली, अरे उनको कौन बता रहा है, वैसे भी उनका घर एकदम पड़ोस में तो नहीं है ना, फिर जब इस मास्क के पीछे कोई भी सूरत नहीं पहचानता, बस 1-2 दिन घरों में काम ढूंढने जाने दो मुझे, तुझे इस महामारी में बाहर जाने दो। गोपाल फूट सा पड़ा, अब तू ही बता, क्या बीमारी तुझे पहचानती है कि बोले, अरे अरे सीमा मैडम जा रही हैं, रास्ते से हटो, उनसे दूर रहो, और नमस्कार करके दूर चले जाए। गोपाल ने हाथ जोड़ते हुए अभिनय के अंदाज में उस पर वक्रोक्ति की। सीमा झींक कर रह गई, जब ज़्यादा गुस्सा आता है तो बोलते नहीं बनता, दिमाग सुनसा हो जाता है, विशेषतया जब आपके व्यक्तित्व को ही कोई हिला रहा हो। मैडम शब्द सीमा के व्यक्तित्व पर गहरी चोट ही थी, जो वो हो नहीं पाई थी। वह सोच रही थी, यह बार बार छोटी छोटी बातों पर झगड़ा क्यों हो रहा है आजकल, पड़ोस भी नहीं कि उनके घर जाके बतिया कर मन हल्का करूं, वो तो महामारी के डर से गांव चले गए हैं, दूसरे हैं वो घर से बाहर अब निकलते ही नहीं, निकलते तो घर से निकलते हैं तो कभी मुस्कुराहट का भी कोई जवाब नहीं देते, सारे मानवीय मूल्य खो गए हैं, और शायद वो मुस्कुराए भी होंगे तो मास्क के पीछे मुस्कुराहट का पता नहीं चलता, शायद मेरी मुस्कान भी उन तक ना पहुंची हो, क्यों मैं उन्हीं पर दोषारोपण करूं, पर हाँ उनसे दुआ सलाम करूं, नमस्ते बोलूं, तो वो ऐसे भागते हैं छिटक कर कि जैसे किसी चुड़ैल के पंजे में फंसने वाले हों। कभी तो मुझे खुद पर शक होता है कि मुझ में ही कोई गलती कमी हो, पर गोपाल ने कहा था, नहीं प्यारी नहीं, ये तेरी गलती नहीं, ये कोरोना का खौफ है। कितना विचित्र हो गया है लोगों का व्यवहार, पहचान के लोग भी पहचानते नहीं अब, कोरोना ही क्या खाक डराए, उन्हें तो यह डर भी लगता होगा कि कहीं
कहीं हम गरीब गुरबे कुछ उधार सुधार ना मांग बैठे उनसे, सो मुंह मोड़ लेते हैं। पहले सुख दुख में यूं भी बतियाने मम्मी पापा के पास चली जाती थी, भाभी जी भी अच्छी मित्र थी हैं, भाभी जी भी अच्छी मित्र हैं, मेरा मन बहल जाता है वहाँ। मायके का घर तो खूब बड़ा है मेरा, हरा भरा आंगन और कमरे में क्या बड़े बड़े हॉल जैसे। एक मेरी किस्मत ख़राब निकली, इनकी कच्ची नौकरी पक्की हो जाएगी सोचकर मेरी सगाई जल्दी कर दी माँ बाबूजी ने। गोपाल रुतबे वाली पोस्ट में तो था ही, अच्छा पढ़ा लिखा, अपने विषय का गोल्ड मेडलिस्ट और देखने में भी बहुत आकर्षक और सबको सम्मान देने वाला मृदुभाषी था। मेरी भी क्या गलती है, उम्र ही ऐसी थी कि सपने लुभाने लगे गोपाल के साथ की। सो बाद में शादी की बात से जितना शर्माती, गोपाल की ओर भीतर भीतर उतना आकर्षण महसूस करती और खींचती चली जाती। गोपाल को भी तो मुझ में कुछ खास लगा था। हमारी शादी की बातें चल रही थी घर में, पर हम चुपके चुपके फ़ोन पर एक दूसरे से बतियाते बतियाते प्रेम के समुद्र में डुबकियां लगाने लगे थे। शादी हुई, बहुत अच्छे लगे प्यार भरे वो 3 महीने, पर बेचारा कितना रोया था उस दिन जिस दिन सरकारी चिट्ठी आई थी कि उनके महकमे में उनकी पोस्ट को निरस्त किया जा रहा है और सरकारी आवास में खाली करने का फरमान था सरकारी आवास को खाली करने का फरमान था। देश में लगभग 50 लोगों की नौकरी गई थी, फिर उन सब ने दिल्ली में धरना भी दिया था सरकार की इस ज्यादती के विरोध में। 3 महीने गर्मी के कैसे बीते वहाँ लू के थपेड़ों में पंडाल के नीचे, कि रमेश का खाना पीना भी कम हो गया और उसे टाइफाइड बुखार हो गया। एक दिन जब उसे धरना स्थल पर चक्कर आया तो अस्पताल ले जाना पड़ा, 10 दिन तक भी उसका 104 बुखार ना उतरा। तो भाई गया उसे वापस लाने को, उन्हें अस्पताल से किसी तरह मना कर घर ले आए हम अपने शहर, और दुहाई दी कि जान है तो जहान है। डॉक्टर ने भी यही राय दी कि अच्छा इलाज अगर घर के पास मिलता हो तो वहीं करवा लो, वहाँ घर से कोई ना कोई अटेंडेंट देखभाल के लिए साथ रहेगा। भाई ने यही घर के पास अच्छे अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन उसे तो दिल्ली की उस तपती गर्मी में सड़क के किनारे जीरा पानी खोमचे वाले से काम चलाऊ खाना 1.5 महीने तक खाते रहने की वजह से पीलिया भी होने लगा था। पीलिया था कि जाने का नाम नहीं ले रहा था, और गोपाल बहुत कमज़ोर हो गया था। तभी अंकित भी पैदा हुआ, भैया भाभी ने बहुत संभाला हमारे परिवार को। इसी बीच सरकार ने 10 लोगों की नौकरी पक्की की, पर गोपाल बेचारा बीमार था, सो उसकी अनुपस्थिति में उसका नाम कौन लेता दिल्ली में। उस दिन उस नौकरी की सारी उम्मीदें मिट गई जब 10 लोगों ने नौकरी ज्वाइन की दोबारा। गोपाल बहुत उदासी में चला गया था, बार बार बोलता था, सीमा मुझे माफ़ कर दो, तुमको खुशियाँ नहीं दे पा रहा हूँ मैं, मुझसे मेरा सब कुछ छिनता जा रहा है और तुम इसकी शिकार हो रही है, मुझे माफ़ करोगी क्या। मैं बोलती, अरे इसमें माफ़ी का क्या, कौन ने तुमने कोई अपराध किया है। गोपाल बोलता, मैं तुम्हारे लायक नहीं रहा, तुम्हारे भाई माँ पिताजी पर अपने परिवार का बोझा भी लादे हुए हूँ, तुम मुझे छोड़ दो, मैं बीमार हूँ, अब तुम्हारा दुख समझकर मेरा जीने का मन नहीं करता, जाने कितने कष्ट दूंगा सीमा तुम्हें, और वह रो पड़ता। मैंने तो हमेशा भरसक प्रयास किया कि गोपाल के सामने मेरे चेहरे पर एक भी सलवट ना पड़े, हमेशा गोपाल के बालों और पीठ को सहलाकर ढांढस बंधाकर यही कहा कि तुम अच्छे स्वस्थ रहो, यही हमारी पहली खुशी होगी। मैंने तो हमेशा भरसक प्रयास किया था कि गोपाल के सामने मेरे चेहरे पर कभी भी सलवट ना पड़े, हमेशा गोपाल के बालों और पीठ को सहलाकर ढांढस बंधाकर यही कहा कि तुम अच्छे स्वस्थ रहो, यही हमारी पहली खुशी है। पेट तो हर कोई भरता है, हमारे भाग्य का हमें मिलेगा, बस निराश ना होना तुम। गोपाल एक नज़र उठाकर मेरी ओर देखता, ऐसे जैसे उसे विश्वास ही ना हो। मैं कितना टूट गई थी भीतर भीतर, पर गोपाल को कभी जाहिर नहीं होने दिया, बस मुस्कुराकर हंस हंस कर बोलती थी। माँ पिताजी भी मेरी व्यथा को चुपचाप समझते थे, भैया भाभी जी ने तो घर के बाहर का एक कमरा भी हमें दे दिया था, उनका साथ कभी नहीं भूल सकती, उनकी तो जीवन भर कृतज्ञ रहूंगी। इस बीच गोपाल का पीलिया कम से कमतर हो गया, 2 महीने में वो
अब साधारण दिनचर्या में आ गई तो अंकित के पिता होने की अपनी जिम्मेदारी भी उसे दिखाई देने लगी। फिर वही नौकरी की खोज शुरू हुई। लगभग एक महीने में उसे एक फैक्ट्री में उसकी अच्छी शिक्षा, अव्वल दर्जे के नंबर, उसकी वर्क एक्सपीरियंस को देखकर उसे कैशियर की नौकरी मिली थी। हालांकि तनख्वाह कम ही थी, पर डूबते को तिनके का सहारा तो मिला था। अब वह अपने लिए किराए में कमरा लेना चाहता था। गोपाल का कहना था कि भाई साहब और माता पिताजी की महानता है कि वो हमारे लिए इतना कुछ कर रहे थे, पर उन्हें जरूर कई व्यक्तिगत समझौते करने पड़ते होंगे। सो हमने भैया भाभी जी से, माँ पिताजी को किसी तरह तैयार किया कि हम किराए के मकान में रहेंगे और एक कमरे किचन वाले मकान में शिफ्ट हो गई। 5 साल हो गए भाभी जी के यहाँ, मेरा और बच्चों का आना जाना बना रहा। अंकित अब 7 साल का हो गया है और सलील 4 साल का। आज भी चली जाती वहां भाभी जी के हाथ की पकौड़ियां भी खाने को मिल जाती और मंजन भी कर लेती। गपशप मारकर कुछ मन हल्का हो जाता और थोड़ा रास्ते की हवा भी खा लेती, पर भाई साहब ने भी बिल्कुल मना कर रखा है आने के लिए। कहा है माँ पिताजी बीमार हो जाएंगे, इधर ज्यादा आवत जावत नहीं करना, और कहा कि खुद भी घर में बच्चों के साथ सुरक्षित रहो। मन महसूस कर रह गया। फिर आज तो गोपाल ने कितना अपमान किया है मेरा कि बीमारी क्या, मुझे देखकर बोलेगी सीमा मैडम, जैसे मैडम कोई तोप हो। बुद्धिमान थी क्लास में मैं भी, पर मुझे आगे पढ़ाया नहीं गया और जल्दी जल्दी मेरी शादी कर दी गई। मैं भी मैडम हो जाती अगर तुमसे शादी ना होती। सीमा यही सब कुछ सोचते हुए झाड़ू लगा रही थी कि फोन पर टिंग की आवाज के साथ व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आया। देखा तो गोपाल ने अभी अभी व्हाट्सएप ग्रुप में हमारा परिवार हमारी शान में एक तस्वीर सीमा और अपनी डाली, हैशटैग भी था कपल फोटो चैलेंज। सीमा गुस्से से अनाप शनाप सोचने लगी। कमरे के भीतर तस्वीरों में ग्रुप में जहां देखो चिपके रहते हैं मेरे साथ। नहीं रहना इस झगड़ालू आदमी के साथ हर जगह। कमरे में चार दीवार के बीच हिल भी नहीं पा रहे हम, यहाँ दम घुट रहे हैं यहाँ, और रोज के झगड़ों से भी दूर भाग नहीं पा रही। कहीं खुली हवा में नहीं जा पा रही। माँ के पास चली भी जाती तो इस कोरोना ने भी जिंदगी खराब कर दी है। वहां ग्रुप में गुड मॉर्निंग कर रहे हैं और कपल चैलेंज की फोटो डाल रहे हैं, या मंजन के पीछे सुबह सुबह मुझे डांट रहे हैं। ऐसे रोज के किचकिच में कमरे में किचकिच में कमरे में साथ रहते रहते एक दूसरे से झगड़ते हुए उकता गई हूँ। पता नहीं इन दिनों ये झगड़ा क्यों हमारे बीच आ रहा है बार बार। शायद घर में सामान की कमी, पैसे की कमी, बीमारी का भय, बच्चों का भविष्य, और इन सब के लिए कुछ ना कर पाने की बेहद विकट लाचारी, बस चिड़चिड़ापन। जितना साथ रहो उतनी उकताहट। थोड़ा मन साफ करने के लिए कहीं बाहर मौका तो मिले, प्यार बनाए रखने के लिए, हमें उसमें ताजगी भरने के लिए थोड़ी दूरी भी तो जरूरी है। तो दूरी कैसे बनाऊं, बाहर जा नहीं पा रही, पर करे भी क्या, बाहर बीमार लोगों की तादाद बढ़ रही है। सच में संक्रमित होने का डर है, कुछ तो करना ही होगा कि इनको पता चले कि मैं छोड़कर दूर भी जा सकती हूँ। अगर उसे उस वक्त यूं लगा जैसे वह गोपाल को ठेंगा दिखाकर यह कहना चाहती है मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। कुछ तो करना होगा, और उस वक्त उसके चेहरे पर एक चंचल मुस्कान राहत की सांस की तरह आ गई। उसने फोन उठाया, व्हाट्सएप खोला और हमारा परिवार हमारी शान ग्रुप खोला। वहां चमकती हुई सीमा और गोपाल की तस्वीर सम्मुख थी। तमाम लोगों की बातें अभी पढ़नी बाकी थी, पर उसने ग्रुप इंफॉर्मेशन को क्लिक किया और वहां से उस ग्रुप से एग्जिट हो गई। गोपाल जीजीपी फैमिली ग्रुप का एडमिन भी है। फैक्ट्री के उसके मित्र और उसके परिवार के साथी लोग उस ग्रुप में जुड़े हैं। सीमा वहां से भी एग्जिट हो गई। अच्छा लगा सीमा को, अपने घर के रूम से तो ना निकल पाई पर व्हाट्सएप के इन रूम से निकल गई हूँ। मजा आएगा गोपाल को, अब मैं उनके किसी भी ग्रुप में नहीं होंगी। थोड़ा सा संतोष हुआ सीमा को कि कम से कम कुछ तो दूरी बढ़ाई मैंने। मेरी कमी में मुझे मिस करेगा जब, तो पता चलेगा सीमा की वैल्यू क्या है। और बाहर निकलने का मतलब इतना ही था उसका, दरवाजे से बाहर तो वो निकल नहीं सकती थी। और हुआ भी यही, गोपाल दौड़ता हुआ आया। अरे अरे सीमा, तुम ग्रुप से क्यों निकल गई बाहर? क्या तुम सच में निकली हो या गलती से ऐसा हुआ? अरे यहाँ घर में
घर में ही क्या कम उहा पोह है, मुंह से मुंह भिड़ाई दिन रात के झगड़े। तो व्हाट्सएप में भी तुम्हारे साथ ही, वहां क्यों रहूं तुम्हारे साथ? रहो आप अपने दोस्त अपने भाई बहन के साथ वहां खुश। गोपाल लगभग गिड़गिड़ाया सा, अरे सीमा ऐसे क्यों कर रही हो, जुड़ जाओ ग्रुप में। सीमा जिद से बोली, क्यों जुड़ू, नहीं जुड़ूंगी। गोपाल बोला, एक बार फिर कह रहा हूँ, जुड़ जाओ ग्रुप से। सीमा बोली, कभी नहीं जुड़ूंगी, कभी नहीं जुड़ूंगी। अब की उसके बोलने में थोड़ा बच्चों की सी जिद थी और थोड़ी खनक थी, थोड़ा तोतली थी, थोड़ा इतराना था। शायद वह इसी बहाने प्यार मनोहार को बढ़ावा देना चाह रही थी कि इसी बहाने वो धीरे धीरे नजदीक आ जाए, उसको मनाने के बहाने उसे गले लगा ले और अपनी दुनिया की हजार परेशानियों को वो एक साथ भुला दे। वह ऐसा चाह रही थी कि गोपाल प्यार से उसका बाल सहला ले, उसको मनाए, वह भी थोड़ा इठलाकर मान जाए। पर ऐसा ना हुआ। गोपाल कुछ दुख और नाराजगी जताते हुए बोला, ठीक है कहकर बच्चों को नींद से जगाने लगा। सीमा अचकचाकर बोली, अभी उन्हें क्यों उठा रहे हो? गोपाल बोला, नौकरी के लिए दो दो चार जगह बात की है, 9 बजे घर से निकलना पड़ेगा। अंकित अंकित पापा पर चिपक गया। सलील को भी प्यार से उठाकर बाथरूम में मुंह धुलाने के लिए ले गया। अब बच्चों की पापा मम्मी से लाड भरी बातों से घर गूंजने लगा। उनकी शरारती नटखट बोली बातें जैसे घर में नन्ही चिड़ियाएं चहकने लगी हों। सीमा नाश्ता तैयार करने लगी और गोपाल ने बच्चों को नहलाया। फिर चारों ने नाश्ता किया। गोपाल ने सीमा के मोबाइल पर ऑनलाइन क्लास को शुरू कर बच्चों को बिठाया। सीमा बच्चों के पास आ गई और गोपाल घर से बाहर निकल गया। अभी दिन के 3 बजे ही थे। सीमा बच्चों के साथ लेट कर गप्पे मार रही थी। दाल भी खत्म हो गई है, मन में सोच रही थी कि आज दिन कैसे दिन कटेंगे, दिन में बच्चों को खाने में क्या दूं, क्या आज चावल में नमक हल्दी डालकर बिना दाल के खिचड़ी बना लूं। इसी अधेड़ मन में थी कि किसी ने दरवाजे की झांकल बजाई। सीमा कौन है कहते हुए बिस्तर से उठी तो गोपाल की आवाज आई, मैं हूं। दौड़कर सीमा ने दरवाजा खोला, देखा गोपाल के हाथ में एक बड़ा थैला सामान का है। गोपाल ने मुंह पर बंधा मास्क उतार कर दरवाजे की एक तरफ कील खूंटी की टंकी कील पर टांग दिया। चप्पल घर के बाहर बने छोटे से बरामदे में उतारे थे उसने। सीमा ने पूछा, आज जल्दी आ गए घर? गोपाल बोला, बताता हूँ, पहले हाथ पैर तो धो लूँ। सीमा दौड़कर बाल्टी भर पानी साबुन मग ले आई। बरामदे से बाहर उतर कर गोपाल ने साबुन से हाथ अच्छे से धोए और फिर झोले का सामान एक एक कर बरामदे में सुखाने के लिए निकाला। सब्जी एक तरफ रखी कि थोड़ी देर में खूब पानी से साफ धो लूंगा। उसने एक लंबी सी डिबिया उठाई सामान से और दो कैडबरी चॉकलेट, उन्हें खुद खूब साफ से धोया और जेब में रखकर घर के अंदर चला गया। बच्चे पापा पापा कहकर उसे चिपकने लगे। उसने दोनों को एक एक चॉकलेट दी। दोनों बच्चे चॉकलेट देकर इतना खुश हुए कि कूदने लगी। सीमा पास आकर बोली, आज आप बहुत सारा सामान लेके आए, क्या नौकरी पक्की हो गई है कहीं? गोपाल हंसा, नहीं तो। सीमा सच जानने की फिराक में अपनी उत्सुकता छिपा नहीं पा रही थी। कहीं तो अच्छी नौकरी लग गई गोपाल की, जरूर उन्होंने इसे एडवांस दिया होगा। सीमा आंख घुमाकर सर हिलाकर कुछ मजाकिया अंदाज में बोली, झूठ बोले कौवा काटे, सच सच बताओ कहाँ लगी है नौकरी? गोपाल ने उसके कान की ओर अपना मुंह ले जाते हुए उंगली से अपनी नाक बंद कर दी और मजाकिया धुन में फुसफुसा कर बोला, तुम्हारे मुंह से ताजी खुशबू नहीं आ रही है प्यारी, पहले ये दांत साफ कर आओ, बताता हूँ फिर। यह कहकर गोपाल ने उसे कॉलगेट टूथपेस्ट दिया और बाहर सर्फ लेकर निकल गया। सीमा ने जल्दी जल्दी टूथपेस्ट ब्रश में लगाया और खूब झाग उठाकर ब्रश किया, फिर बाहर आ गई। घर के बाहर बरामदे में कदम रखा तो गोपाल ने एक एक किलो के अरहर मलका की दाल के थैले उसके हाथ में थमाई, अभी दाल और चावल बना लो, आता हूँ अंदर। सीमा ने कुकर में आज दाल वाली खिचड़ी चढ़ा दी। तब तक गोपाल भी सामान धोकर पहुंचकर कमरे में आ गया। सीमा तुरंत उसके बगल में जा बैठी और उसके कंधे पर सिर रखकर बोली, अब बता भी दीजिए कि कहाँ लगी है आपकी नौकरी? गोपाल हंसकर बोला, नौकरी भी लग ही गई है मान लो, पर अभी यह सामान मैं अपने मोबाइल को बेचकर आया लाया हूँ। सीमा चौंक गई, विश्वास नहीं हुआ उसे। वह जगह पर खड़ी हो गई, क्यों क्यों
क्यों बेचा तुमने अपना मोबाइल? क्या जरूरत थी मोबाइल बेचने की? ऐसा क्यों किया तुमने? बोलो बोलो कि तुम झूठ बोल रहे हो। गोपाल बोला, क्या यार, मुझे मोबाइल की क्या जरूरत? फिर मुस्कुराते हुए बोला, अब तो वैसे भी तुम व्हाट्सएप में मेरे साथ नहीं हो, तो फिर अब इसकी क्या जरूरत? हम दोनों घर में साथ तो हैं, जो ज्यादा जरूरी था वह मैं ले आया, और फिर घर में तुम्हारा मोबाइल तो है बच्चों की पढ़ाई के लिए और एक दो जगह बात करने के लिए। सीमा सर पकड़कर बैठ गई। उफ, तो यह बात है, मेरे व्हाट्सएप के ग्रुप से निकलने से इतने खफा हो गए हो तुम? गोपाल बोला, नहीं, ऐसा नहीं, मैंने इनकी जरूरतों पर बहुत सोच विचार किया, फिर समझा घर में एक मोबाइल काफी है, बाकी खाने पीने की चीजें घर में खत्म हो रही हैं, सो वो मेरे मोबाइल से ज्यादा जरूरी थी। पर मोबाइल कितने में बेचा? सेकंड हैंड में बस 1,500 मिल गए, नए की कीमत 8,000 थी। सीमा को अप्रत्याशित ही गहरा धक्का लगा था। बोली, बहुत बुरा लग रहा है मुझे, कितना ज्यादा दुख हो रहा है मुझे। वह अपने आंसू को थामते हुए बोली, तुमने मोबाइल बेचकर टूथपेस्ट लाकर मुझे दिया, इतना बड़ा है दिल तुम्हारा। गोपाल उसके आंसू पोंछते हुए बोला, रो मत सीमा, खुशी के लिए ही तो सामान खरीद कर लाया हूँ, तुम रो रही हो। तुम्हें मोबाइल नहीं बेचना चाहिए था, सामान की जरूरत तो फिर आगे भी होगी, तब क्या होगा? क्या क्या बेचोगे अपना? हम काम चला लेते कैसे भी, तुम्हारी नौकरी लगने तक। गोपाल तपाक बोला, अरे ऐसी बात भी नहीं, मैंने नुक्कड़ पर जो बहुमंजिली इमारत बन रही है वहां के ठेकेदार से बात की है, कल बुलाया है उसने, कल से वहां काम पर जाऊंगा। क्या क्या वही हिसाब किताब लेखा जोखा का काम है तुम्हारे लिए? तुम्हारी डिग्री, गोल्ड मेडल देखा होगा उसने, उन्होंने उसी हिसाब से दी होगी तुम्हें नौकरी। गोपाल बोला, नहीं पगली, इतनी जल्दी इतनी आसानी काम नहीं मिलता। तो फिर सच बताओ, क्या सच में तुम्हारी नौकरी लग गई है? गोपाल बोला, अब ये मत कहना झूठ बोले कौवा काटे, सच बता रहा हूँ। बिल्डिंग के ठेकेदार ने बताया कि काम करने वाले मजदूरों में से 11 मजदूरों को हाल में कोरोना हो गया है, एक की मृत्यु हो गई है और बाकी इलाज ले रहे हैं, कुछ एक को क्वारंटीन करना पड़ा है, लेबर्स की कमी हो गई है। तो उन्होंने मुझे पूछा कि क्या तुम उनका काम करोगे, तो मैंने हाँ बोल दिया। सीमा अवाक रह गई, तो तुम क्या मजदूरी करोगे? इतने होनहार, पढ़े लिखे, स्कूल कॉलेज में सदा फर्स्ट आने वाले। हाँ, काम कोई बुरा नहीं होता सीमा, मनसा बुरी नहीं होनी चाहिए, किसी का अहित नहीं होना चाहिए। सीमा दुखी थी, बोली, नहीं, मैं तुम्हें यह काम नहीं करने दूंगी, तुम इसे कर भी नहीं पाओगे। गोपाल बोला, अरे पगली, मेरी सीमा, कुछ समय की बात है, काम करने दो, 550 रुपये दिहाड़ी में मिले, दिहाड़ी भी मिलेगी, घर खर्चा निकल जाएगा। नहीं, तुम बीमार हो जाओगे, तुम इस काम के लिए नहीं बने हो, नहीं, तुम ये काम नहीं करोगे। तो गोपाल बोला, अरे मैं जवान हूँ, इतनी जल्दी बीमार नहीं होऊंगा। फिर मैंने अपने बायोडाटा और कागज पत्र कई जगह लगाए हैं, कभी ना कभी तो मेरा नंबर आएगा, यह तो काम चलाऊ टाइम पास जॉब है। सीमा के मुंह पर हवाइयां उड़ रही थी, वह खुद को बेहद लाचार महसूस कर रही थी। जानती थी इस महामारी के समय में बच्चों के साथ किसी ना किसी को घर में रहना है, और वक्त की बात होती तो वह भी निकल जाती काम की तलाश में। जाने गोपाल अपनी कितनी पीड़ा और भावनाओं को कुचल कर मजबूती से अपनी बात रख रहा है, शायद इतनी मेहनत पढ़ाई उसने इस तरह ठोकर खा खा कर तसले में बजरी रेत भर कर ढोने के लिए तो नहीं की थी। गोपाल बोले जा रहा था, कल बरामदे को तुम्हारी किसी पुरानी साड़ी का पर्दा बनाकर बंद कर लेंगे, एक गद्दा वहां जमीन पर डाल दूंगा, बस वहीं से काम पर जाऊंगा और आऊंगा तो यही वहीं सोऊंगा, कमरे में नहीं आऊंगा, क्योंकि उस बिल्डिंग में बहुत सारे लोग कोरोना से ग्रसित हैं, तुम और ये फूल से बच्चे बीमार नहीं होने चाहिए। पर तुम्हें एक कष्ट दूंगा, क्या तुम खाना बनाकर मुझे घर के बाहर लाकर दोगी? सीमा के आंखों में आंसू भर भर आए, उसने उसके हाथ चूम लिए। रात गोपाल के आलिंगन में सीमा के आंसू रुक नहीं रहे थे। कल से बच्चों की सुरक्षा के लिए उन्हें अब अलग अलग रहना होगा। सीमा का मन तड़प उठा। गोपाल के स्वास्थ्य की चिंता से रात के अंधेरे में उसकी आंखें और गहरी होती जा रही थी। उसने आज शाम को माँ चंडिका के आगे उचियाना रखा और मनौती मांगी कि उसके पति को कुछ नहीं होना चाहिए, उसके घर का बाल बांका भी नहीं होना चाहिए। वह कुछ स्वार्थी हो चली थी, उसकी आंखों से आंसू अविरल टपकते जा रहे थे। अंधेरे में गोपाल ने उसके बालों को हौले से सहलाया और उसके माथे पर एक चुंबन देकर बोला,
जीवन को चुटकियों में जीना सीखो। इस चुटकी में देखो हम दोनों साथ हैं। हमारे बच्चे पास में ही पेट भरकर भोजन करके अच्छी नींद सो रहे हैं। देखो हम कितने सुखी हैं। इस सुख को महसूस करो कि हम सुखी हैं, कहते उसने उसे आलिंगन में कस लिया। सीमा भी नजदीक आ गई। हर रात के बाद सुबह तो आती है और आएगी नए इम्तिहान को लेकर। यह जानते हुए भी सीमा उस वक्त अगली सुबह को भूल कर रात की कश्ती में अप्रतिम सुख के हिलोरे भरने लगी। तो ये मेरी कहानी है। धन्यवाद। मैं पहाड़ की कविता सुनाऊंगी, पहाड़ से जुड़ी हुई कविताएं। चाहतों का सिलसिला, ये स्त्री विचारक कविता है। मैंने चाहा उस सौंधी खुशबू वाले मिट्टी के दुमंजिले मकान पर बैठना। मैंने चाहा उस सौंधी खुशबू वाले मिट्टी के दुमंजिले मकान पर बैठना, जो पहाड़ी के शीर्ष पर एन बगीचे के बीच बगीचे की हिफाजत के लिए बनाया गया। और चाहा आंखें मूंद कर याद करना अपने पूर्वजों को, बैठकर उस झोलदार चारपाई पर जिस पर दादी बैठा करती थी, और मिचमिचा कर आंखें अपने बचपन अपने मायके को याद करती थी। हम बच्चों के संग हंसा करती थी। होता था वहां दार की लकड़ियों पर फूस का छत, और नीचे धुएं के पीछे चूल्हे की आग, आग पर होते मिट्टी के लिपे बर्तन, पीछे चूल्हे पर कढ़ाई पर उबलता गाढ़ा दूध, आग आग आगे के चूल्हे पर जख्या और मिर्च के तड़के पर हरी भुज्जी के छौंक, भीतर के खंड से घुरछियां घुरछियां की सदी में लय, जीवन का स्वाद। भीतर के खंड पर घुरछियां घुरछियां की सदी में लय, जीवन का स्वाद। मंडवे की रोटी, पतीली में मक्खन, लोटे पर मट्ठा, राजमा के साथ लाल भात। अच्छा, दीवारी पर बंधा भूटू कुत्ता और डर बाघ का। मैं भूटू को दुलारना चाहती हूँ, उसके पास बैठना चाहती हूँ। वह चाहती हूँ मैं घर के पीछे बहती कूल से भर भर अंजलि पानी उछालूं, भीगूं और पेड़ से तोड़कर खाऊं रस से भरे ताजे सेब और दूध से भरे कच्चे अखरोट की गिरी। मैं चाहती हूँ फिसलना गांव के मध्य में काली चट्टान की फिसलन पट्टी पर, जिसे हिमपाल ठेला कहते हैं। मैं प्यूली सा खिलना चाहती हूँ, प्यूली के रंग में पुरास की लालिमा में लाल लाल ओस से भरना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ इनको जीना और जीती हूँ इनको। इनके अब न होने पर भी पक्के मकानों से भर गए इनके अब न होने पर भी पक्के मकानों से भर गए गांव व जंगल के बीच न बचा पानी का वह कूल, न बगीचा, न मिट्टी का वह मकान, न वह चट्टान, न भोटू, न बाघ। पर मैं बेटी हूँ, जीती रहूंगी उन्हें उसी तरह जो मेरा मायका नहीं मेरा घर था, जो मेरा मायका नहीं मेरा घर है। ये एक कविता है प्रेम बनाम भय। ये लॉकडाउन की कविता है। मैं प्यार लिखना चाहती हूँ, मैं रचना चाहती हूँ, बसना चाहती हूँ। मैं सुकून भरे लम्हों की तलाश में भटकती हूँ, काल से बाहर निकल जाती हूँ, पाती हूँ शायद प्रेम शब्द मेरे लिए भी बना हो। दुनिया के राग में मैं बैरागी सी, संसार के भय, अनिश्चितताएं, संशय, अकेलेपन, बेगारी, बीमारी, भूख, हत्याएं, आत्महत्याएं, युद्ध और आंधियों के कोलाहल ही डटे पड़े हैं मेरे सम्मुख। मुझको शर्म आती कि ऐसे में मैं केवल प्यार लिखना चाहती हूँ। इस अंधेरे में यही एक जरूरी शर्म लिखना चाहती हूँ। जबकि जीवन के नैपथ्य से मौत के उदात स्वर गूंजते हैं, मैं आंख बंद कर लेना चाहती हूँ। इन सब से फेर कर नजर इस शोक के सैलाब में डूब जाती हूँ मैं। माफ करना मुझे, आप कहेंगी मुझ में हिम्मत की कमी है, पर संवेदनाओं का अतिशय संसार मेरे भीतर हिलोरे भरता है, और सुनामी की भयावहता के साथ मुझ पर टूट पड़ता है।
बेशक मुस्कुराती हूँ मैं, भीतर भीतर टूटी जाती हूँ मैं। ऐसे में जब भी प्रेम लिखना चाहती हूँ, ऐसे में जब भी प्रेम लिखना चाहती हूँ, मेरी कविताएं कहानियां रह जाती हैं अधूरी, जैसे इन दिनों एकांतों में रह गई हूँ मैं अधूरी सी। एक कविता है अपनी हत्या के खिलाफ। मुझे इस्तेमाल करना है जिंदगी को, ये एक महिला की कविता है, स्त्री पे। मुझे इस्तेमाल करना है जिंदगी को अपने ही हाथों अपनी हत्या के खिलाफ। मुझे इस्तेमाल करना है जिंदगी को अपने ही हाथों अपनी हत्या के खिलाफ। रोज उम्मीदों की ढेर पर उमकती नासूर मेरी हत्या की साजिश करती हैं। मुझे इस्तेमाल करना है जिंदगी को अपने ही हाथों अपनी हत्या के खिलाफ। रोज उम्मीदों की ढेर पर उमकते नासूर मेरी हत्या की साजिश करते हैं, पर हर रात नीम अंधेरों के साथ अरुणिम सूरज के विचार विचलित होते मन की पीठ पर हाथ धरते हैं। मैं अपनी जिद पर अड़ी जिंदगी को हर दिन गुलदान में सजा देती हूँ, ताकि महकता रहे घर भर, महकता रहे घर भर। एक कविता जो कि काफी हौसला देती है कठिन समय में, छोटी सी कविता है, आखिरी पत्ता। वृक्ष से जब भी टपकता है आखिरी पत्ता, पतझड़ में हंसते हुए उम्मीदों का उत्सव मना लेता है वृक्ष। वृक्ष से जब भी टपकता है आखिरी पत्ता, पतझड़ में हंसते हुए उम्मीदों का उत्सव मना लेता है वृक्ष। फिर नई कोपलें फूटती हैं और आ जाता है बसंत। तो एक कविता छोटी सी, समय की प्रत्यंचा, ये सुनाओ। समय की प्रत्यंचा। प्रत्यंचा जब खींची थी तुमने, प्रत्यंचा जब खींची थी तुमने भेदने को लक्ष्य, प्रत्यंचा जब खींची थी तुमने भेदने को लक्ष्य, खींच गई थी डोर दीर्घ काल तक कुछ ज्यादा ही कस। प्रत्यंचा जब खींची थी तुमने भेदने को लक्ष्य, खींच गई थी डोर दीर्घ काल तक कुछ ज्यादा ही कस। टूट गई वो डोर सधा था जिस पर बाण, शेष हाथ में धनुष तीर और अनछुआ रह गया लक्ष्य। एक सुना देती कविता और, कितनी हिंसाएं, कितने हिंसक हैं वो, कितने हिंसक हैं वो, रोज कत्ल करना जानते हैं जो। कितने हिंसक हैं वो, रोज कत्ल करना जानते हैं वो, अपनी नजरों से, अपनी चुप्पियों से, अपनी नफरतों से और अपने नपे तुले शब्दों के शातिर नस्तरों से। रोज घरों में यहाँ वहां होती हैं हिंसाएं, मन का लहू छितरा रहता है घर के कोने कोने पे, और सब कुछ बस उधर इधर उखड़ा बिखड़ा बिखरा बिखरा सा। जिन्हें समेट कर, साफ कर, करीने से सजा कर अपनी हत्या के सबूत मिटा खुद मिटा देती हैं स्त्रियां। वो जो उनके भीतर मरता है रोज, उस हत्या का ना कोई गवाह होता है ना कोई सबूत, और जो कहीं इक्के दुक्के होते हैं वही तो कातिलों में शुमार होते हैं। स्त्रियां अपने आंसुओं का नमक पीकर अपनी देह का नमक बचा लेती हैं और जीवन के अमृत रस से हर दिशा को सींच लेती हैं। यूं भी आंसुओं का गिरना घर की दीवारों का गिरना है, आंसुओं का गिरना घर की दीवारों का गिरना है, आंसुओं का गिरना सभ्यता का ढहना है। फिर घड़ियाली घड़ियाली आंसुओं का ठीकरा भी तो स्त्री के सर ही फूटना है, तो वह एक जिंदा लाश सी है। छद्म हंसी लिए मुस्कुराती हुई, तो वह जिंदा लाश सी है, छद्म हंसी लिए मुस्कुराती हुई, काले काजल काले चश्मे और चेहरे पर लगे कंसीलर के साथ सास श्रृंगार। एक झीने पर्दे की ओट में, एक झीने पर्दे की ओट में हल्के फासले पे खड़ी हर औरत यूं ही खूबसूरत और जिंदा दिल नहीं होती है, यूं ही खूबसूरत और जिंदा दिल नहीं होती है। एक मैं सुनाती, छोड़े वे घर। घर लील गए युद्ध के बगैर, घर लील गए युद्ध के बगैर, युद्ध के बगैर ही खेत बंजर हो गए, लोग छोड़ चले गए घर, जैसे गांव में कोई महामारी की छाया पड़ने पर और छापा मार सैनिकों से बचने के लिए गांव वाले गांव छोड़कर निकल पड़ते थे और किन्हीं गुप्त कंदराओं में जा छिपते थे, और किन्हीं गुप्त कंदराओं में जा छिपते थे। गांव वीरान खंडर मकान,
गांव वीरान, खंडर मकान, कुत्ते भी घरों के भूखे मर गए, अपने मालिकों की इंतजार इंतजारी में बीमार, या गांव में आए बाग करने वाला हो गए। दीवारों पर उग आए पीपल के पेड़ और धुरप्याल फट गए, दीवारों पर उग आए पीपल के पेड़ और धुरप्याल फट गए, छाजे टपक गए। धुरप्याल मतलब वो जो पत्थरों की छत होती है। घर में रेंगने लगे सांप, बिच्छू, मकड़ियां, चूहे। घर बुदबुदाता है, पुकारता है, बाहें खोले उन्हीं जो आते नहीं लौट के। अपने समृद्ध इतिहास की यादों में रोता है घर बार बार, कि बार त्योहार में जिन चूल्हों पर तेकू लगता था, कढ़ाई से उतरती थी पूरी पकौड़ी, बिल्ली गुनगुने की गुमकी में सोती थी, सूने सूने टूटे पड़े हैं वो चूल्हे कि घर रोता है। कफवा, घिनौड़ी घुघुती, चकला, सैंटली हिलास, अब भी आते हैं उसके पास, घर की बढ़ाते हैं वो आस, अपनी ची चू कुकू में घर को की को ढांढस बनाते हुए। ओजी गांव के आज भी, ओजी कौन होता है पहाड़ में? ओजी होते हैं एक विशेष वर्ग होता है जो कि ढोल ढमाऊ बजाते हैं, और हर बार त्योहार में उनके बिना मतलब वो एक तरह का मांगल है उनका कि वो उसको बजाते हैं, तो वो बार त्योहार मना जो भी हमारे यहाँ त्योहार होते हैं उसमें आते हैं, शादी ब्याह में भी आते हैं, तो तभी कार्य को पूर्ण माना जाता है। ओजी गांव के आज भी बचे खुचे घरों में त्योहारों पर ढोल बजाते हैं। ओजी गांव के आज भी बचे खुचे घरों में त्योहारों पर ढोल बजाते हैं। बच्चे फुलदेई पर देहलियों पर अब भी फूल रखते हैं। फुलदेई एक त्योहार है पहाड़ों का, गढ़वाल में, जहाँ के बच्चे फूलदेई पर फूल तोड़ के जंगलों से लाते हैं और फूल रखते हैं, सबके घरों के आगे फूल सुबह सुबह डालते हैं, और घर वाले भी उनको चावल, गुड़, आटा, दूध देते हैं, और वो इस तरह से बहुत इंजॉय करते हैं, कुकिंग करते हैं, जंगलों में जाके खाना पकाते हैं सब बच्चे मिलकर। तो वही चीज है, बच्चे फूलदेई पर दहेलियों पर अब भी फूल रखते हैं, उन पगडंडियों पर जो जाती हैं सुनसान भरे पड़े घर की खंडरों की ओर। झाड़, कांटे, कंडाली क्या ना उगाए हैं वहां, फुलारी डरते हैं जाने से, दूर से घर की दिशा में फूल फेंक जाते हैं। ओजी नजदीक से गुजरते हुए अपने ढोल पर दो चोट कर देता है, पूर्वजों के नाम से उनके बुदबुदाई उनके बुदबुदाई गीतों में होता होगा, ए रामेश्वर की वेई, एक देख क्या हुई, गिनता गिना टना नना टना नना। रामेश्वर की बेई मतलब ये रामेश्वर की माँ, ये देख क्या हुआ। रामेश्वर देश वाला हुआ, बम्बई जा बसा, ये मैंने पहाड़ी में कुछ पहाड़ी में लिखा हुआ है इसलिए मैं इसको हिंदी में बोल रहा हूँ। रामेश्वर देश जा बसा, बम्बई जा बसा, लड़का साहब बन गया, विदेश जा बस गया, बेटी विवाह गई पहाड़, बेटी विवाही गई पहाड़, दूसरे डांडे से करती है याद, बिसुरती रोती, घिनता घिना टन टन। मैं तो टपराती रही रहा, ताकती रही रहा, आजा 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 हे गांव, ये इस तरह से ही वहां गाया जाता है, गांव वापस आजा हे, और एक दिन ढुल गई, घिनता घिना। फिर ओजी कहता है, हे भूमि का भूमियाल देवा, रुष्ट ना होना, इस माटी का खून है वो, कष्ट न देना, वो जहाँ कहीं भी हो, हे पितर देवता, करना उनकी रक्षा, घिनता घिना टन टन। घर रोता है, कब तक खुद को बनाए रखूंगा अपने दम पर, अकेले अकेले अपने को टूटते देखने को श्रापित अपने लोग कर गए। जैसे बचे खुचे मकानों में बचे खुचे बुजुर्ग याद करते हैं गांव की खुशहाली को, गांव के उन लोगों को जो छोड़ चले गए घर, और भूता मकान भूता गांव हो गए। बचे खुचे मकानों में बचे खुचे रह गए बुजुर्ग, जो अपने में एक पहाड़ है, एक कुनबा है, जिनके पूत उन्हें छोड़ गई विदेशों की चकमक में, और वे बुजुर्ग इंतजार में पलक पावड़े बिछाए, टुकड़ा टुकड़ा छींजते, रीतती उम्मीदों की आखिरी पोटली के संग, देह को तोड़ती व्याधियों के साथ, गिनती गिनते हुए उम्मीदों का आखिरी तिनका थामे, ढेर हो जाते हैं वो, जैसे ढेर हो जाती है मकान की छत और दीवार और गांव बिना युद्ध के।
और गांव बिना युद्ध की। सभी साथियों को मेरा नमन प्रणाम।